सर, जैसे कि अभी इसी वर्ष के अंत तक मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव, और लगभग 12 से 15 वर्षों तक की जो है बीजेपी की गवर्नमेंट हुई है, और लगभग 12 वर्षों तक शासन जो किया है वो शिवराज सिंह चौहान ने किया है। आगे परिस्थितियों को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट या भाजपा गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के लिए सफल साबित हुई है, या फिर कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि विफलताओं का अंबार लग गया है प्रदेश में, क्या लगता है? मतलब आप इसमें एक नए लड़कों को देखें, नए युवाओं को देखें, आगामी जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है उसको देखें, क्या लगता है आप? देखिए 12 साल जब भी कोई भी पार्टी हो वो जब रूलिंग करती है तो डेफिनेटली कई लोगों को उनसे खुशी मिलती है, जनता ही उन्हें चुनती है, और काफ़ी लोग उनसे निराश भी होते हैं। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चूंकि निराश होने वाले लोगों की संख्या खुश होने वाले लोगों की संख्या की अपेक्षा कम होती है, इस कारण वो दोबारा चुनी जाती है और फिर सरकार बनाती है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो मैं ये स्पष्टता तो नहीं कह सकता हूँ कि लोग उनसे नाराज़ हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। पार्टी लेवल पे तो वो उनका पर्सनल पार्टी लेवल डिसीजन हो गया, लेकिन हाँ, अगर हम समाज, सोसाइटी, स्टेट लेवल की बात करें या गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करें या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर गवर्नमेंट कैबिनेट या सीएम कैबिनेट की बात करें, शिवराज सिंह कैबिनेट की बात करें, तो अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो मैं कहूँगा ठीक है। ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ ठीक है। असंतुष्टि भी होती है, ऐसा नहीं होता कि सरकार की सभी योजनाएं 100% सक्सेस हों या सरकार को लोगों के द्वारा उस पर 100% समर्थन मिले या लोगों को सरकार का समर्थन मिले। दरअसल ये जो एक कम्युनिकेशन गैप जनरेट होता है उसी कारण कोई भी योजना होती है वो विफल हो जाती है। देखिए, जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा गवर्नमेंट को 3 बार विजयी दिलवाई है, मतलब 3री बार सत्ता तक पहुँचाया है, तो इन 15 सालों में क्या मध्य प्रदेश को और आगे हो जाना था दूसरे स्टेट के मुकाबले? से गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो कैसा नहीं लगता कि मध्य प्रदेश अपनी मतलब विकास की गति में कुछ धीरे पड़ गया या धीमा पड़ गया? देखिए, विकास की बात की जाए तो दरअसल अगर हम दूसरे स्टेट से कंपेयर करेंगे, उससे पहले सबसे पहले हमें अपने आप से कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश आज से 12 साल पहले कहाँ था, किन परिस्थितियों में था और क्या हकीकत थी उस समय। अगर किसी भी देश या किसी भी राज्य की विकास की बात की जाए तो हम कुछ बिंदुओं को लेके चलते हैं। जैसे हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो मध्य प्रदेश भी डेफिनेटली कृषि से जुड़ा हुआ भाग है, और कृषि का मध्य प्रदेश की जीडीपी में और जीडीपी के साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास में हर लेवल पर बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब भी बात की जाएगी विकास की तो सबसे पहले मध्य प्रदेश को अपने आप में झांकना होगा कि हम पहले कहाँ थे और आज हम कहाँ पर आए हैं, और हमारा कितना विकास हुआ, कृषि में कितना मॉडर्नाइजेशन हुआ है, कृषि की वर्तमान जीडीपी रेट क्या है, कृषि से कृषकों की जीवन शैली कितनी खुशहाल और संपन्न बनी है, इसके साथ साथ इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या हुआ, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में क्या हुआ, एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी एंड सर्विसेज के क्षेत्र में क्या हुआ, तो इन सब चीज़ों को देखा जाए अगर तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने काफ़ी अच्छा वर्क किया लास्ट 12 ईयर के पहले की अपेक्षा, इस कंपैरिजन में बहुत बढ़िया गया। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए अदर स्टेट से तो उन स्टेट से कंपेयर करने के रिस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ड्यू टू मैनी मोर रीजंस, कुछ गवर्नमेंट के आरोप और कुछ वास्तविकताओं के बावजूद हम उतना बेस्ट तो नहीं कर पाए जितना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी संतोषजनक है कि हाँ, अगर अब या अभी से गंभीर हुआ जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, क्रिमिनल केस स्टडी की बात करें तो मध्य प्रदेश में दिनों दिन बढ़ते जाएँ, सबसे ज़्यादा बात करें तो रेप केस जो है मध्य प्रदेश में बहुत बड़े हैं, मतलब वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी एक रिसेंट सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि यूपी इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश से पीछे है, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन में या पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या उतना अच्छे से काम नहीं किया, या फिर ये कहें कि मध्य प्रदेश में जो है नेता तंत्र काफ़ी हावी हो चुका है, जो कि आप समझ सकते हैं कि अब नेता के करीबी है व्यक्ति तो उसका केस दबा ही दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सर्वे रिपोर्ट्स की बात की जाए, रिकॉर्ड्स की बात की जाए, डॉक्यूमेंट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो
इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि मध्य प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड जो है रेप के या क्राइम के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा रहा हो, ये तो बड़ा दयनीय है। लेकिन फिर भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए और इच्छा शक्ति की बात की जाए तो हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ढीलापन या लचीलापन देखा गया। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए या नेता, जैसे कि आपने बोला कि राजनीतिक के लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, तो डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के काम में कहीं इंटरफेयर करेगी तो उसका खामियाजा उन लोगों को ही भुगतना पड़ेगा जिन लोगों ने उस गवर्नमेंट को बनाया है। तो ले देखे हम कहें तो ये संभव है। देखिए, मेन चीज़ अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन को लेकर काफ़ी चर्चा रही है। रेत सैंड माइन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ है और उसका नुकसान सरकार को सीधे सीधे हुआ है, सरकार को भी हुआ है और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को भी हुआ है। और ये देखा जाता है कि यहाँ पर नेता या तंत्र या हावी ये तंत्र काफ़ी ज़्यादा हावी है, तो वो अपना फ़ायदा ज़्यादा करता है, गवर्नमेंट नुकसान ज़्यादा करता है। और आपने देखा होगा कि अभी विपक्ष भी कई तरीके आरोप लगाता रहा है कि मध्य प्रदेश में व्यापम का घोटाला बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, सैंड माइन घोटाला ज़्यादा फेमस हुआ। और यहाँ तक कि ये सुनने में आया है कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो भी शिवराज सिंह चौहान का अपोजिशन करते हैं। लेकिन अभी शिवराज सिंह चौहान ने जो यात्रा की थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन यात्रा, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने 2.5 लाख या 2.5 करोड़ ऐसा कुछ पेड़ लगाए हैं, 5 करोड़ 2.5 करोड़ का भी पेड़ लगाए हैं। लेकिन जब बाद में एक न्यूज़ चैनल के द्वारा सर्वे किया गया तो उसमें उनके जो 2.5 करोड़ पेड़ हैं, 5 करोड़ पेड़ हैं, वो कहीं से कहीं तक नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो क्या सिर्फ रिकॉर्ड बनाना ही ठीक है या वास्तविकता में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्या बताएंगे आप इन तीनों मैटर पर? वास्तविकता की अगर बात की जाए तो वास्तविकता तो बहुत ज़रूरी है। अगर नेचुरली देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ज़्यादा जंगल, घना जंगल पाया जाता है। और अगर माइनिंग की बात की जाए तो ये एक गंभीर विषय है। यहाँ इस विषय की तरफ सरकार को और सीएम को खुद डायरेक्टली ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि ये कहाँ हो रहा है, कहाँ से ये मिस्टेक हो रही है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है और उनको कैसे इस खेल से बाहर किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। एक व्यापम घोटाला जो है काफ़ी फेमस हुआ और काफ़ी लोगों की जान भी गई, और ऐसा सुना गया था कि जो उसके बारे में बात करता है या जो जर्नलिस्ट उसके बारे में बात करता है उसे भी मरवा दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा कलंक है भारत की, मतलब मध्य प्रदेश सरकार गवर्नमेंट के ऊपर। हाँ, क्या देखते हैं आप उसके बारे में? लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा कलंक है कि अगर ऐसी क्रियाएँ हो रही हैं, ऐसा अगर गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टी या फिर नेताओं की तरफ से अगर ऐसा हो रहा है और ये लोग संलिप्त हैं इसमें, तो एक गंभीर विषय है और एक चिंतनीय विषय है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी और जुडिशरी के बाद में मीडिया ही एक चौथा स्तंभ है संविधान का, लोगों के भरोसे का। और अगर उससे ऐसे खिलवाड़ हो रहा है तो इसके बारे में सरकार को सोचना बहुत ज़रूरी है और सोचना, जल्द से जल्द सोचना पड़ेगा। सर, आप हमारे KMG न्यूज़ में आए हैं, आपका तथ्यों पर बात या प्रश्न के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया और मैं आपके न्यूज़ चैनल्स को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने मुझे समय दिया अपनी बातों के विचारों को व्यक्त करने के लिए। धन्यवाद।